पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने रविवार को रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित डीजल लॉबी के सामने रेलवे के निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद राय ने बताया कि केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण कर रही है और प्राइवेट ट्रेन चला रही है और रेलवे की ज़मीनों को बेच रही है, जिससे कि देश के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। रेल कर्मियों के हॉस्पिटल कैंटीन की सुविधा को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि निजीकरण और तत्काल रोक लगाई जाए, नहीं तो हम लोग लॉकडाउन के बाद बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर संगठन के महामंत्री विनय शर्मा, शिवपूजन वर्मा, कृष्ण कुमार, भरत कुमार, संजीव कुमार और रेलवे के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष जे एन शाह और पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद राय ने कहा, बंद करो, निजी कारण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निगमी कारण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 प्राइवेट ट्रेन चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राइवेट ट्रेन चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं जे एन शाह, क्षेत्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। आज ये अखिल भारतीय स्तर पर सारे केंद्रीय जो हमारे ट्रेड यूनियन हैं उनके आह्वान पर रेलवे के निजीकरण के खिलाफ, कॉर्पोरेशन के खिलाफ, निगमीकरण के खिलाफ, पदों को सरेंडर करने के खिलाफ, डीए फ्रीज करने के खिलाफ, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर रेल के, गेल के, भेल के सभी निजी और सार्वजनिक संस्थानों को नीलाम करने के विरोध में हम लोग यह प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं विनोद राय, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ महामंत्री, वर्किंग कमेटी मेंबर NFIR, यह NFIR के और इंटक के और हमारे रारसा और सभी लोगों के इस पर निर्देश पर एक कार्यक्रम चल रहा है। हमारा मांग है कि तत्काल निजीकरण बंद किया जाए, तत्काल हमारे प्राइवेट ट्रेन चलाना बंद किया जाए, तमाम रेलवे जमीनें बेचना बंद किया जाए, कर्मचारियों की छटनी बंद किया जाए। इसको हम लोग मांग करते हैं और मांग कर करके, और डीए हम लोगों का सही समय से मिलना चाहिए, इंक्रीमेंट सही समय से मिलना चाहिए। हम लोगों के पीछे हम लोगों के पूरा परिवार है, सरकारी नौकरी पढ़ लिख कर करके सब लोग आए तो उनका पूरा परिवार जीता है उससे, जो भी कटनी छटनी करेंगे। 55 साल 33 साल की उम्र की नौकरी के लिए कहते हैं, CPRO साहब कहते हैं कि कोई भाई अफवाह है तो किस नाते लिस्ट बनाई जा रही है। अभी लिखा गया पेपर में निकला था कि 1 लाख से लगभग के कर्मचारियों की छटनी की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। इस नाते भारत सरकार अभी एक तुरंत बता रहा हूं कि बंगला पीउन का मामला आदेश रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने किया और उन्होंने कहा कि बंगला पीउन को अब नहीं रखा जाएगा रेलवे में, तो तुरंत शाम तक ही चेयरमैन को अपनी बात को वापस लेना पड़ा। तो क्यों ऑफिसरों की बात पर वापस लिए और रेल कर्मचारियों को 2-2 साल प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है और उनको सेम डे में 3 CPO, 3 CME, 3 चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सारे अधिकारी को प्रमोशन सेम डे में होता है और कर्मचारियों को 2 साल दौड़ाते हैं, ट्रेनिंग नहीं करवा रहे हैं। जो हमारे कर्मचारी क्लास 4th के हैं उनको पॉइंट्समैन और जो और गैंगमैन, ट्रैकमैन, हमारे पोर्टर सबको क्लास 3 में प्रमोशन देने के लिए रेलवे बोर्ड ने आदेश किया है, उसको रोक करके बैठे हुए हैं, रेलवे बोर्ड का अवहेलना कर रहे हैं। ये सब मांगों को लेकर करके, कर्मचारी समस्याओं के लेकर के जंग जारी रहेगा।